अमरपाटन में हनुमान मंदिर परिसर की दुकानों से अवैध कब्जा हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा अगर अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अमरपाटन प्रखंड के मुकुंदपुर बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर की दुकानों में बीते कई वर्षों से 3 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। बीते दिनों नायब तहसीलदार ने कब्जा हटाने के आदेश दिए थे मगर दबंगों का कब्जा अब तक नहीं हट सका है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और 7 दिन के अंदर दुकान खाली कराने की मांग करते हुए आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आज हम लोग अमरपाटन प्रखंड के खंड मुकुंदपुर में हनुमान जी की मंदिर है, जिसमें 3 लोग कब्जा किए, 2 मुस्लिम है, 1 हिंदू समाज के। वर्षों पुरानी हनुमान जी की मंदिर है, हमारे आस्था का केंद्र है और इसके पूर्व भी नायब तहसीलदार ताला द्वारा 2 बार खाली कराने का आदेश किया गया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोग एसडीएम मैडम को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दिए, उस मंदिर को 7 दिवस के अंदर खाली करा दी जाए। दिवस के अंदर खाली नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद समस्त हिंदू समाज धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।